Academy. Let's grab it. नंदनी, भावेश, जॉर्डन, हाय, अमरेश, मनदीप, हमजा, हाय, ऑनलाइन स्टडी, हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी क्रैक एसएससी एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम। आज एक मिनट लेट हो गया क्योंकि मैंने की गलत डाल दी थी। तो मैं आपकी जीएजीएस की मेंटोर हूँ, मेरा नाम वर्षा सिंह है। अन अकेडमी भी आपको 30+ बैचेस एवरी वीक, 300+ क्लासेस पर डे, 70+ एजुकेटर्स, 40,000 आर से भी ज़्यादा का रिकॉर्डेड कंटेंट, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अन अकेडमी कॉम्बैट जो कि आपका वीकली कॉम्बैट है, ये अन अकेडमी आपके लिए हर एक वीक कंडक्ट करवाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें आप सारे एस्पिरेंट फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको ये कॉम्बैट इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा, और आप कॉम्बैट लाइव दे सकेंगे अपने एंड्रॉयड ऐप से, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, तो जहाँ पे अगर आपको फ्री में मिलता है तो आप उसमें ज्वाइन ज़रूर करें, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका लाइव स्कोर कितना आ रहा है, आप इतने सारे बच्चों के बीच में कितना कम्पीट कर पा रहे हो, क्या स्कोर कर पा रहे हो। इसमें 1 करोड़ रुपये का आपका स्कॉलरशिप पूल भी है, और कॉम्बैट को आप एवरी संडे दिन में 12 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एवरी संडे दिन में 12 बजे आप लोग इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको इनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा वर्षा, जिससे कि आप फ्री में इनरोल हो जाएंगे सभी बच्चे। आज जून है सौरभ, जुलाई थोड़ी ना है। और ये सारे रैंक होल्डर्स हैं जिनको जो जो चीज़ें मिलेंगी, जो टॉप 3 रैंक होल्डर होंगे उनको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन, 4 to 10 को 75% का स्कॉलरशिप, 11 to 50 को 50% स्कॉलरशिप, एंड 51 to 500 को 25% का स्कॉलरशिप मिलता है, अगर आप लोग इसमें टॉप 500 स्टूडेंट में आते हो तो। जिसने भी आप में से अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें। मैं हमेशा बोलूँगी 12 या 24 महीने का लें। कारण क्या है उसका, जब आप इस कि रेट को चेक करेंगे मंथ वाइज, तो आपको समझ आएगा कि जो पर मंथ कॉस्ट है 12 और 24 महीने की, वो बाकी प्लान के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती है, ठीक है। तो जो चीज़ आपके लिए सस्ती रहेगी और अच्छी रहेगी, आपको मैं हमेशा वही रिकमेंड करूँगी। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ 12 या 24 महीने, क्योंकि SSC की प्रिपरेशन 1 या 3 महीने में होती नहीं है, ठीक है। ये आपके रिविजन के लिए प्लान होते हैं, प्रिपरेशन के लिए आपको 1 से 2 साल का समय देना पड़ता है। इसके साथ ही साथ अगर आप 6 महीने से ऊपर का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो वो आपको नो कॉस्ट EMI में मिल जाता है, ठीक है। बस आपको कोड मेरा ध्यान रखना है, इसको यूज़ करना है, जिससे कि आपको 10% का ऑफ मिल जाए। कोई बात नहीं, उत्कर्ष, राशिद, हाय, अभय, हाय, वेलनेस ब्लॉग, हाय, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया। और आप लोगों का शेड्यूल जो है कल का, वो देखिए क्या है, 4:55 पे कल आपकी अनअकैडमी ऐप पे क्लास होगी, ठीक है, स्टैटिक जीके की। कल रात को 11:15 पे लेट्स क्रैक SSC एग्ज़ाम सेम चैनल पे क्लास होगी डेली करंट अफेयर की। इसके अलावा कल आपकी एक और क्लास होगी, वो कब होगी, 1 बजे, ठीक है। किस पे होगी, वाईफाई स्टडी पे। किस चीज़ की क्लास होगी, वीकली करंट अफेयर की, ठीक है। तो कल 1 बजे भी आपकी क्लास है, किस पे है, वाईफाई स्टडी पे है, वीकली करंट अफेयर रिवीजन की है, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा अनलॉक कोड है। अगर आप किसी भी क्विज़ में, कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर किसी भी फ्री क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको इसी रेफरल कोड का यूज़ करना है। और अगर आप अनअकैडमी पे कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपको इसी कोड को यूज़ करना है। हाँ, YouTube पे होगी, वाईफाई स्टडी पे। ये क्लास कब तक रहेगी, ये क्लास रहेगी 12:15 बजे तक। पूर्वी, हाय। तो अभी हम लोग 5 जून का करंट अफेयर करेंगे, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या है, न्यूजीलैंड ऑलराउंडर काइल जेमिसन वॉज अवॉर्डेड द 2021 वर्जन ऑफ द गेमर्स कैप। गेमर्स कैप अवार्ड इज गिवन टू द प्लेयर हु हैज़ बीन वोटेड एज क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाय द प्लेयर्स एंड सपोर्ट स्टाफ। तो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर
काइल जेमिसन को गेमर्स कैप 2021 संस्करण से सम्मानित किया गया है। तो गेमर्स कैप किसको दिया गया है? काइल जेमिसन को। कहाँ के प्लेयर है ये? न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं। ये जो अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड किसे दिया जाता है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर को। ठीक है, ये अवार्ड गेमर्स कैप किसको दिया जाता है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर को। और ये देता कौन है? इसमें वोटिंग की जाती है। ठीक है, जितने भी जैसे न्यूजीलैंड के जितने भी प्लेयर्स होंगे और जितने भी स्टाफ होंगे, कोच वगैरह सारे मिला करके, वो सारे लोग वोटिंग करेंगे। जिस भी प्लेयर को सबसे ज़्यादा वोट दिया जाएगा उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो गेमर्स कैप किसको मिला है 2021 का एडिशन? काइली जेमिसन को मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, नहीं मेरे लिए ये टाइम परफेक्ट है, मैं इसी टाइम पे लूँगी। और आप लोग एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर कर देना। समझ गए ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो न्यूजीलैंड के काइली जेमिसन को गेमर्स कैप मिला है, जो कि आपका क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड होता है। किसके द्वारा मिला है? न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ ने जो वोटिंग की, तो वोटिंग में उनको मैक्सिमम वोट दिए गए, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया। अच्छा सौरभ, तुम प्लस वाले स्टूडेंट हो जो तुम दिन में क्लास में आए थे, है ना? चलो अगला देखें। अगला है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद हैज डेवलप्ड अ नैनो फाइबर बेस्ड ओरल टैबलेट ऑफ एम्पोटेरिसिन बी, ठीक है, जिसको कि हम शॉर्टकट में AMB कहते हैं, टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट। दिस वॉज द फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू फैब्रिकेट नैनो फाइबरस ओरल टैबलेट ऑफ एम्फोटेरिसिन बी फॉर द पोटेंशियल क्योर ऑफ काला अजर। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने एम्फोटेरिसिन बी की नैनो फाइबर आधारित मौखिक गोलियां विकसित की है। ठीक है, तो ये जो एक आपकी दवाई है, ठीक है, ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी, जिसको कि हम शॉर्टकट में AMV कहते हैं। ये जो दवाई होती है ये इंजेक्शन के रूप में होती है, इसकी शीशियाँ आती है जिसको हम इंजेक्शन के तौर पर देते हैं। तो ये किस पेशेंट को दिया जाता था? जिनको काला जर होता था, ठीक है, उनको दिया जाता था, जिसको कि आप लोग ब्लैक फीवर कहते हो, ब्लैक फीवर भी कहते हो। तो ये उन पेशेंट के लिए होता था, लेकिन फ़िलहाल ये मेडिसिन जो यूज़ में आ रही है वो किसके लिए यूज़ में आ रही है? अभी जिसको भी कोरोना हो रहा है उसके बाद उसमें चांसेस किसके ज़्यादा हो रहे हैं? ब्लैक फंगस होने के ज़्यादा बढ़ रहे हैं चांसेस। तो जिनको भी ब्लैक फंगस हो रहा है उसको ये दवाई दी जा रही है। ठीक है, लेकिन ये दवाई मैंने जैसा कि आपको बताया शीशियों में आती थी, इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता था। तो अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद ने इसको किस फॉर्म में बनाया है? टैबलेट के फॉर्म में बनाया है। ठीक है, नैनो फाइबर टैबलेट के फॉर्म में बनाया है। इसको जो टैबलेट के फॉर्म में बनाने का कारण है, सबसे बड़ा कारण तो है इसका कॉस्ट। जो इसकी एक शीशी आती है वो आती है आपके 3,000 रुपये की। एक शीशी आपके इसकी 3,000 रुपये की आती है, जो कि आपको 30 दिन तक लेनी होती है। लेकिन अगर आपने इसको 30 दिन भी ले लिया तो 30 × 3 के कितना हो गया? 90,000 रुपये तो सीधा सीधा ऐसे ही हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सीवियर कंडीशन में हो तो हो सकता है आपको 70 दिन तक ये लेना पड़ जाए। 70 दिन तक लोगे तो 2,10,000 तो तुम्हारे इंजेक्शन में ही चले गए। और तुमको अगर इंजेक्शन लेना है तो ऑब्वियसली तुमको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हॉस्पिटल में रहोगे तो उसका खर्चा अलग आएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप इसका ओवरडोज ले लेते हैं, अपने हिसाब से दवाई ले लेते हैं, तो आपके किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका किडनी फेल हो सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए भी इसको क्या टैबलेट के फॉर्म में बनाया गया है। जहाँ पे एक शीशी की कीमत 3,000 थी, वहाँ पे जो इन्होंने बनाया IIT हैदराबाद ने, उसने 60 mg की टैबलेट को सिर्फ 200 में बना दिया। ठीक है, आपकी एक जो 60 mg की टैबलेट होगी उसकी कीमत केवल कितनी होगी? 200 रुपये, ताकि हर कोई अफोर्ड कर पाए। हाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन बेस्ट है। लास्ट ईयर मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैंने 2 महीने इलाज करवाया, कुछ नहीं हुआ, पैसे के पैसे पानी में चले गए, फाइनली जाके पतंजलि में ठीक हुई मैं। तो 60 mg का आपका टैबलेट कितने का आएगा? 200 रुपये का आएगा। और ये किसने बनाया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद ने। तो याद रहेगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें?
तो इतना राज लक्ष्मी, क्या नाम है आपका, राज लक्ष्मी सावंत, इतना नेट यूज क्यों करते हो? चाहे सुबह किसी की क्लास लो, या दिन में किसी की क्लास लो, या शाम की किसी की क्लास लो, आपको इतना तो समझ में आता है ना कि आपका कंजम्पशन इतना है। अगर उसमें बीच में मैं अपना क्लास ऐड भी करती हूँ तो भी आपके पास डेटा कम हो ही जाएगा। चलो आगे देखें, अगला है राइड हेलिंग ऐप ओला। ओला तो आप लोग सब समझते हैं, कैब लेते होंगे आप ओला से। तो राइड हेलिंग ऐप ओला हैज अपॉइंटेड जीआर अरुण कुमार एज इट्स न्यू ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो राइड हेलिंग ऐप ओला ने जीआर अरुण कुमार को उसके नए समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में चुना है, ठीक है। तो ओला जो कंपनी है, ओला कहाँ की कंपनी है, मुंबई की कंपनी है, जो कि आपके 3 दिसंबर 2010 में फॉर्म हुई थी। कब फॉर्म हुई थी? 3 दिसंबर 2010 में इसकी खोज की गई थी। किसने की थी? भावेश अग्रवाल ने, ठीक है। फाउंडर इसके कौन है? भावेश अग्रवाल। यही इसके अभी सीईओ भी है, यही इसके क्या है, सीईओ भी है। तो 3 दिसंबर 2010 में मुंबई में ओला कंपनी की खोज की गई थी, किसके द्वारा? भावेश अग्रवाल के द्वारा, जो इसके अभी फिलहाल चेयरमैन भी है, सीईओ भी है। तो ओला ने अभी नया अपॉइंट किसको किया है? जीआर अरुण कुमार को अपने नए सीएफओ के तौर पे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे। इसके अलावा ओला में एक और अपॉइंटमेंट हुई है, वो दूसरी अपॉइंटमेंट किसकी हुई है? स्वयं संभव को भी ओला ने अपॉइंट किया है। किस तौर पे अपॉइंट किया है? वो भी आपके सीएफओ बने हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं। लेकिन वो किसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं? ओला मोबिलिटी, ओला फाइनेंशियल सर्विस और तीसरा है आपका ओला फूड सर्विस या बिजनेस, आप जो भी कहना चाहो कह लो, ठीक है। तो समझ गए, ओला जो मुंबई की एक कंपनी है, 2010 में इसको स्थापित किया गया था भावेश अग्रवाल के द्वारा, तो उसके नए सीएफओ कौन बन गए हैं? जीआर अरुण कुमार। इसके साथ ही साथ स्वयं संभव, ओला मोबिलिटी, ओला फाइनेंशियल सर्विस और ओला फूड सर्विस के क्या बन गए हैं? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। समझ गए ना तुम लोग? अपनी कहानी खत्म करोगे, यहाँ पे बतियाने आते हो, ये बताओ। चलो समझ गए, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। चलो आगे बढ़े, अगला है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत विल लॉन्च द सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है। सेज प्रोजेक्ट ऑन 4th June 2021। द प्रोजेक्ट एम्स टू सेलेक्ट, सपोर्ट एंड क्रिएट वन स्टॉप एक्सेस टू एल्डरली केयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय द क्रेडिबल स्टार्टअप। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 4 जून 2021 को सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज परियोजना का शुभारंभ किया, ठीक है। तो आपके जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने एक नया पोर्टल स्टार्ट किया है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसका नाम है सेज। सेज की फुल फॉर्म क्या है? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है। क्या है ये? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ये एक प्रोजेक्ट भी कह सकते हो आप इसको, और एक ये एक पोर्टल भी है। इस पोर्टल की मदद से जितने भी सीनियर लोग हैं उनके लिए ये एक वन स्टॉप एक्सेस बनाया गया है, जहाँ से उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, सारी केयर प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। तो बेसिकली जो सेज, अगर आपसे ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो यही पूछा जाएगा कि सेज की फुल फॉर्म क्या है। सेज में सपोज ए दे देगा, जी दे देगा, या फिर कंप्लीट फुल फॉर्म पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि इसको आपके लॉन्च किसने किया, किस मिनिस्टर ने किया, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने किया। या फिर ये भी पूछ सकता है मिनिस्टर का नाम, तो मिनिस्टर का नाम है थावरचंद गहलोत, और किसके लिए है ये? एल्डरली पीपल के लिए, ठीक है। जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए इसको बनाया गया है, इस पोर्टल को स्टार्ट किया गया है, समझ।
चलो अगला देखो. एक्सपर्ट हॉर्स राइडर फुआद मिर्जा हैज कंप्लीटेड द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू कम्पीट इन ओलंपिक गेम्स इवेंट. फुआद मिर्जा अ डबल 2018 एशियन गेम्स मेडलिस्ट ऑफिशियली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स आफ्टर द 2000 सिडनी गेम्स. तो विशेषज्ञ घुड़सवार फुआद मिर्जा ने ओलंपिक खेलों के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए न्यूनतम प्रातरता आवश्यकता को पूरा कर लिया है. 2018 एशियाई खेलों के दोहरे पदक विजेता फुआद मिर्जा 2000 सिडनी खेलों के बाद आधिकारिक तौर पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. तो आपके एक हॉर्स राइडर है, उनका नाम क्या है? फुआद मिर्जा. उन्होंने एलिजिबिलिटी पूरी कर ली किसके लिए? ओलंपिक गेम्स के लिए. तब वो ओलंपिक गेम्स का हिस्सा होंगे. और ये पिछले 20 सालों में पहली बारी ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन क्वालिफाई किया है एज अ हॉर्स राइडर इन ओलंपिक गेम्स. ठीक है, कोई इंडियन पिछले 20 सालों में पहली बार क्वालिफाई किया है एज अ हॉर्स राइडर इन ओलंपिक गेम्स. लास्ट टाइम जो क्वालिफाई किए थे वो कौन किए थे? 2010 में सिडनी ओलंपिक में, सिडनी ओलंपिक में इम्तियाज अनीस. ठीक है, 2000 में कौन क्वालिफाई किए थे हॉर्स राइडर के तौर पे? इम्तियाज अनीस सिडनी ओलंपिक्स में. ठीक है, तो 20 साल बाद ये क्वालिफाई किए हैं एज अ हॉर्स राइडर ओलंपिक गेम्स के लिए. हाँ, ओलंपिक टोक्यो होगा, अभी तक तो यही बात है दीक्षित. हाँ, मेरी सगाई की बात चल रही है और वो जो बीच में बिचौलिया का काम कर रहे थे ना अभय, वो तुम ही कर रहे थे. हमजा, यहाँ पे मैंने लिखा तो है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन. सेज की फुल फॉर्म सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इज द फुल फॉर्म ऑफ सेज. अब अगला देखो क्या है. न्यूजीलैंड ओपनर डेवन कॉनवे स्मैश्ड अ डबल 100 ऑन हिज टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट इंग्लैंड एट लॉर्ड्स ऑन 3 June 2021. ही ब्रोक अ 125 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड ऑफ द हेल्ड बाय द लेजेंडरी KS रंजीत सिंह जी फॉर द हाईएस्ट स्कोर बाय अ बैट्समैन ऑन द टेस्ट डेब्यू इन इंग्लैंड. तो न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने 3 जून 2021 को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू पर दोहरा शतक बनाया. उन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट डेब्यू पर एक बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च स्कोर के लिए महान KS रंजीत सिंह जी द्वारा बनाए गए 125 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. तो एक प्लेयर है आपके, ओपनर है न्यूजीलैंड के, नाम क्या है उनका? डेवन कॉनवे. उन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है? तो इनके नाम बहुत सारी चीज़ों में जुड़ गए. पहले तो ये सातवें ऐसे प्लेयर बन गए जिन्होंने अपने डेब्यू में 200 प्लस स्कोर किया. ठीक है, तो ये सातवें ऐसे प्लेयर बन गए जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में 200 प्लस स्कोर किया. दूसरा क्या है इनके नाम पे कि ये न्यूजीलैंड के दूसरे ऐसे प्लेयर बन गए, सेकंड ऐसे प्लेयर बन गए जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में 200 प्लस स्कोर किया. ठीक है, तीसरा जो इनके नाम पे अभी न्यूज़ बना वो ये बना कि इन्होंने सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ा है अभी बताऊंगी. और चौथा जो इनका बना है वो ये बना है कि इन्होंने रंजीत सिंह जी का 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. ठीक है, तो बात करें ये इसकी, न्यूजीलैंड की, मतलब ये सेवन्थ प्लेयर ऐसे बन गए जिन्होंने आपके 200 प्लस स्कोर किया. ये तो क्लियर है कि ये सातवें प्लेयर बने हैं जिन्होंने अपने टेस्ट में 200 प्लस स्कोर किया. जो आपका ये दूसरा रिकॉर्ड है कि ये न्यूजीलैंड के दूसरे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 200 प्लस स्कोर किया. तो पहले प्लेयर कौन थे? तो पहले प्लेयर थे आपके क्या नाम था उनका, मैथ्यू श्लीनियर. ठीक है, वो उनका नाम था. उन्होंने कितना स्कोर किया था? 214 रन स्कोर किया था 1999 में. किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ. 214 रन मैथ्यू ने स्कोर किया था 1999 में. किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ. ठीक है, जो मैंने आपको तीसरा बताया कि सौरव गांगुली का 25 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा,
तो वो ये रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने सौरव गांगुली का, कि सौरव गांगुली ने जो अपना डेब्यू लॉर्ड्स में ये मैच हुआ, ठीक है, लॉर्ड्स स्टेडियम में ये मैच हुआ, तो सौरव गांगुली ने एज ए डेब्यूटेंट अभी तक का हाईएस्ट स्कोर लॉर्ड्स में बनाया था एज ए डेब्यूटेंट। कितना बनाया था? 131 रन का, लेकिन इन्होंने कितना बना दिया? 136 रन का, और वो ये नॉट आउट रहे, ठीक है, इन्होंने 136 रन का रिकॉर्ड बना दिया और ये नॉट आउट रहे। और जो मैंने आपको चौथा रिकॉर्ड इनका बनाया, रंजीत सिंह वाला बताया जो है, रंजीत सिंह वाला क्या है कि रंजीत सिंह अभी तक के हाईएस्ट स्कोरर थे, ठीक है, तो उनका जो 125 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है वो क्या है, रंजीत सिंह ने 1896 में कितना रन बनाया था? 154 रन बनाया था। किसके खिलाफ बनाया था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वेलिंगटन में, लेकिन इन्होंने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें बता दी, शायद तुम लोगों में से कुछ ज़्यादा ही मुझे आता है क्रिकेट के बारे में, इसलिए मैंने इतना सब कुछ बता दिया। तो मैथ्यू सिंक्लेयर ही तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, तुम लोग से ज़्यादा ही जान गई मैं इनके बारे में। अगला देखिए, यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ऑन 3 June 2021 इनॉग्रेटेड द इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क इन रायपुर छत्तीसगढ़। द पार्क विल बी प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 5,000 पर्सन एंड बेनिफिट अबाउट 25,000 फार्मर्स। इट हैज़ बीन सेटअप इन ओवर 63 एकर्स ऑफ लैंड एट अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ओवर ₹145 करोड़। तो जो आपके केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है किसका? इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का। कहाँ पे ये इनॉग्रेशन किया गया? ये इनॉग्रेशन किया गया है आपके रायपुर छत्तीसगढ़ में। इस मेगा फूड पार्क की मदद से वहाँ पे कम से कम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 5,000 पर्सन को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो भी वहाँ के किसान है, 25,000 किसान को बेनिफिट मिलेगा इससे, ठीक है। और ये कितने ज़मीन में बनाया गया है? 63 एकड़ की ज़मीन में बनाया गया है, जिसकी पूरी लागत है प्रोजेक्ट की कितनी? 145 करोड़। पूरे प्रोजेक्ट की लागत कितनी है? 145 करोड़। ये जो बेस्ट मेगा फूड पार्क बनाया गया है रायपुर में, इसको बनाने का जो एम है वो क्या है कि जितना भी आपका एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फूड आइटम होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी फूड आइटम होते हैं जो जगह के कारण, आपके पास प्रॉपर जगह नहीं होता है तो आप उसको स्टोर नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए स्टोरेज बनाया जाए, ठीक है। इसके अलावा फार्मर्स को जो खेती कर रहे हैं, जिनका वो अन्न है, जिनका अनाज है, उनको प्रॉपर पेमेंट दी जाए, ठीक है, उनको सही दामों, उनसे ये सही दामों पे अनाज खरीदा जाए। इसीलिए ये मेगा फूड पार्क बनाया गया है कहाँ पे? रायपुर छत्तीसगढ़ में। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। पहले हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कौन थी? हरसिमरत कौर बादल, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने रिज़ाइन किया था, उसके बाद इनको ये पद दिया गया था। नहीं प्रभात, तुम तो बहुत दिन बाद आए हो। अब प्रभात नाम कुछ और फोटो किसी और की लगा दी है, कम से कम सर की फोटो हटा दो, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन तो इडियोटिक होते हैं ना सारे, तो सर की फोटो हटाओ तुम। और मुझे लगता है कि तुम प्रभात रंजन नहीं हो, तुम सौरव हो। समझ गए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। छत्तीसगढ़ का भी सीएम कौन है, कोई मुझे बताएगा? छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है? और गवर्नर कौन है? गवर्नर तुम मुझे कब सीएम बना रहे हो हमजा? मुझे भी बना दो सीएम। गवर्नर कौन है? हाँ पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन तुम सब मेरे से आंसर लेट ही दिए। तो सीएम है भूपेश बघेल एंड गवर्नर है अनुसुईया उइके, ठीक है। तो मेगा फूड पार्क रायपुर छत्तीसगढ़ में बन चुका है, ठीक है। किसने इनॉग्रेट किया? आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर
नरेंद्र सिंह तोमर, स्टेटमेंट के हिसाब से उनके पोर्टफोलियो का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे किसी पंचायती राज की बात होती है तो पंचायत राज मिनिस्टर लिखा हुआ आता है ना, तो जो स्टेटमेंट है, जो आपका सेंटेंस है, उसके हिसाब से मिनिस्टर का पोर्टफोलियो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मेगा फूड पार्क की बात हो रही थी, इसलिए उनको यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर यूज़ किया गया। अगला, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप प्रोमोशन स्कीम मैप्स, ठीक है। महाराष्ट्र ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, क्या मैप्स वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग टू द यूथ ऑफ द स्टेट। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग टू द 5 लाख वेल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो महाराष्ट्र ने मैप्स को इम्प्लीमेंट करके ये योजना बनाई है कि अगले 5 सालों में वो 5 लाख यूथ को क्या देंगे। पहले मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ, कल मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा था, उन्होंने कहा था कि मैम हिंदी में पढ़िएगा। अंडर दिस स्कीम 75% ऑफ द स्टिपेंड और ₹5,000 विच एवर इज लेस विल बी प्रोवाइडेड टू द अप्रेंटिस। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के युवाओं और रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्देश्य से महाराष्ट्र शिक्षता प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में 5 लाख सुशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करना। इस योजना के तहत प्रशिक्षु को स्टिपेंड का 75% या ₹5,000, जो भी कम है, वो प्रदान किया जाएगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने का सोचा है मैप्स को। मैप्स की फुल फॉर्म लिखी है महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इस स्कीम के तहत जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एम है वो ये है कि अगले 5 साल में वो 5 लाख यूथ को क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, एम्प्लॉयमेंट उनके लिए जनरेट करेंगे, साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो कितनी है, आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, आप 10th पास होने चाहिए। तो ये 5 लाख 5 सालों के लिए, यानी 1 साल के लिए कितना है, 1 लाख। हर साल 1 लाख यूथ को क्या करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है। तो उनमें जो उनको स्टिपेंड दिया जाएगा वो 75% दिया जाएगा, जितना भी वो काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी उनका बनेगा उसका 75% या 5,000, इनमें से जो भी कम होगा वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ कि प्यास लग गई, तो पानी पी लेती हूँ। समझे, चलो आगे देखें। अगला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल चेयर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको कि हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CSIR। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने CSIR सोसाइटी की मीटिंग को अटेंड किया है। तो इसमें जो भी लिखा हुआ है उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, बस आपसे एक चीज़ पूछी जाएगी कि CSIR सोसाइटी की मीटिंग की अध्यक्षता किसने की, ठीक है, या फिर इसको एड्रेस किसने किया। तो इसको एड्रेस किया है आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि CSIR सोसाइटी के मीटिंग की अध्यक्षता किसने की, उसके प्रेसिडेंट कौन रहे, उसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है, या फिर इसको एड्रेस किसने किया, तो वो आपके PM मोदी ने किया है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। समझे, आगे बढ़ो। हाँ, तुम लोग मुझे ऐसे चढ़ा दो कि मैं इलेक्शन में खड़ी हो जाऊँ और तुम मुझे एकदम से धराम से गिरा देना, ठीक है। तुम लोग ऐसे ही फेंको, सब्सक्रिप्शन तो लिया नहीं जा रहा है, बड़ा इलेक्शन में खड़ा करने जा रहे हैं मुझे। अगला, द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 3 June 2021 साइंड अ लोन एग्रीमेंट टू सपोर्ट प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड डिजाइन एक्टिविटीज टू अपग्रेड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन सिक्किम। इट इज़ अ $2.5 million प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने 3 जून 2021 को सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के उद्यन के लिए परियोजना की तैयारी और डिजाइन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये $2.5 million अमेरिकी डॉलर का परियोजना तत्परता वित्त पोषण ऋण है, ठीक है।
तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिक्किम गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूड है। तो ये इनके बीच में एक करार हुआ है। करार क्या हुआ है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिक्किम को रोड डेवलपमेंट के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना प्रोवाइड कर रही है लोन, 2.5 मिलियन का लोन। ठीक है, कौन प्रोवाइड कर रही है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एडीबी का मैंडेलियोंग मनीला फिलीपींस में। ठीक है, मनीला पुराना हो गया तो मैंडेलियोंग ही पूछा जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी हेड कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, मसात सुगु आसाकावा, एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है, आपके फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा वाइस प्रेसिडेंट है। एक बारी आप सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो, जल्दी से 200 लाइक कंप्लीट करो, और एक बारी शेयर भी कर देना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मसाद सुगु आसाकावा, एंड प्रेसिडेंट है आपके, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अशोक लवासा, जो कि आपके फॉर्मर क्या थे, इलेक्शन कमिश्नर थे। आपका एडीबी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 19 दिसंबर 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो एडीबी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक करार किया है, उस करार के तहत एडीबी 2.5 मिलियन रुपए दे रहा है लोन के तौर पे, किसको, भारत सरकार को। किस लिए, ताकि सिक्किम में रोड का डेवलपमेंट हो सके। इससे कुछ टाइम पहले, ये दिसंबर की न्यूज़ है, इससे कुछ टाइम पहले भी एक करार हुआ था, लोन दिया गया था एडीबी के द्वारा, कौन से स्टेट के लिए, त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एडीबी बैंक ने लोन दिया था 4.1 US dollar million का। ठीक है, जो भी बच्चे तुम पीडीएफ का पूछते हो, एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा कि मुझे बार बार बोलना नहीं पड़े, यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप अनअकैडमी से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे आप एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, किसी भी स्टेट, पीसीएस का, यूपीएससी का, नीट का, आईआईटी का, जो भी लेना है, सीबीएसई का भी लेना है तो सीबीएसई का, क्योंकि मैंने तो देखा है, मेरे पास रिपोर्ट आती है, मतलब क्लास 9th के बच्चे मेरी क्लास में आ रहे हो तुम क्लास करने, पता नहीं अभी से टारगेट सेट कर रखा है, अच्छी बात है टारगेट सेट किया है। तो सीबीएसई अपने बोर्ड के लिए भी लेते हो तो इसी कोड का यूज़ करना। और ये वर्षा सिंह अनअकैडमी जीएजीएस ग्रुप है टेलीग्राम का, जिसपे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। हाँ, ये ध्रुव डेली चलती है क्लास 50 बारी और बोलूंगी डेली चलती है, वो 50 कवर हो गया। अगला, केरला हैज रिटेन्ड द टॉप रैंक इन नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2020 एंड 2021, वाइल बिहार हैज़ बीन एडजस्ट एज द वर्स्ट परफॉर्मर। द इंडेक्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इवेल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल पैरामीटर्स। यहाँ पे लीडर बोर्ड कैसे दिखाओ बताओ। तो केरल में नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है, किसको, केरला को। आपके लास्ट, मतलब यहाँ पे हिंदी थोड़ा अजीब लिखा हुआ है तो मैं सीधा बता देती हूँ। अभी नीति आयोग अपनी पिछले 3 वर्षों से एक रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा। तो इस बार का जो ये इंडेक्स पब्लिश हुआ है, रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है, उसमें जो टॉप परफॉर्मर स्टेट है, टॉप है, वो कौन है, केरला, जिसके 100 में से उसको कितने मार्क्स दिए गए, 100 में से 75। और जो आपके सेकंड स्पॉट पे है वो है तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश, जिनको 100 में से कितना स्कोर दिया गया है, 74। और जो आपका लास्ट परफॉर्मर है वो है आपका बिहार, बिहार को 100 में से 52। और जो सेकंड लास्ट परफॉर्मर है आपका वो है झारखंड, उसको कितना स्कोर दिया गया, 100 में से 56। ये जो स्कोर दिया जाता है वो किस बेसिस पे दिया जाता है, स्टेट की प्रोग्रेस पे, कि स्टेट किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है, किस पैरामीटर पे, सोशल पैरामीटर पे, इकोनॉमिक पैरामीटर पे एंड एनवायरमेंटल पैरामीटर पे, यानी ओवरऑल स्टेट का क्या प्रोग्रेस है, उस हिसाब से उनकी रैंकिंग की जाती है। तो बिहार लास्ट में, सेकेंड लास्ट पे झारखंड, टॉप पे केरला, सेकेंड नंबर पे आपका तमिलनाडु और हिमाचल के बीच में टाई है। अगर ये पूछा जाए कि SDG इंडिया इंडेक्स को पब्लिश किसने किया, इनॉग्रेट किसने किया, तो ये इनॉग्रेट किया है
नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार ने, इसको इनॉग्रेट किसने किया है, नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार ने, ठीक है। वहां पे कभी गलती से प्रधानमंत्री मोदी का नाम आ जाए या अमिताभ कांत का नाम आ जाए तो तुम लोग उसी पे टिक लगाओगे, इसलिए स्पेशली बता रही हूँ अलग से कि वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार ने इसको क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। अगला, HDFC बैंक हैज अनाउंस्ड प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2031 एंड 32। एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव द बैंक इज लुकिंग एट रिड्यूसिंग इट्स एमिशन, एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशन। द बैंक विल कंटिन्यू टू इनकॉर्पोरेट एंड स्केल अप टू द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इट्स ऑपरेशन। तो HDFC बैंक जो आपका लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बैंक है, उसने क्या अनाउंसमेंट किया है HDFC बैंक ने कि वो HDFC बैंक को 2031-32 तक यानी कि अगले 10 सालों में क्या बना देगी, कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। क्या बना देगी HDFC बैंक का क्या टारगेट है कार्बन न्यूट्रल बनाने का, कब तक का, 2031-32। इससे पहले कौन सी कंपनी न्यूज़ में थी, रिलायंस ने जो टारगेट सेट किया था अपनी कंपनी को कार्बन न्यूट्रल बनाने का, वो कब का किया था, साल 2035 का। तो अब रिलायंस से आगे आ चुका है HDFC ने टारगेट रखा है कब का, 2031-32 का, ठीक है। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, और इसके अभी CEO कौन है, MD एंड CEO शशिधर जगदीशन। तो अगर आपसे पूछ ले कि किस बैंक का टारगेट है कि अपनी कंपनी को कार्बन न्यूट्रल बनाने का 2031-32 का, तो HDFC का, या फिर उल्टा करके भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HDFC ने कौन से ईयर का टारगेट सेट किया है कि वो अपनी कंपनी को कार्बन न्यूट्रल बनाएगी, तो 31-32। MCQ स्टार्ट होगा अभी, रुक जाओ अरविंद। अगला, माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च द फर्स्ट एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इट कंसिस्ट ऑफ पॉलिसी मेकर्स एंड इन्फ्लुएंसर फ्रॉम ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय द साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। तो माइक्रोसॉफ्ट ने पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र की साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद शुरू की है। इसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नीति निर्माता और प्रभावकार शामिल हैं और साइबर सुरक्षा पेशेवर द्वारा समर्थित है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या लॉन्च किया है, फर्स्ट एशिया पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो इस काउंसिल को लॉन्च करने का मेन है वो क्या है कि एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल बनना चाहिए जिसकी मदद से लोगों को एड्रेस कर किया जा सके सभी साइबर थ्रेट के बारे में, लोगों को बताया जा सके कि साइबर थ्रेट क्या है, किस तरीके के होते हैं। तो एक ऐसा क्या बनाइए आप, कम्युनिकेशन चैनल बनाइए कि जितने भी मेंबर पार्टनर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उसको बताया जा सके कि साइबर थ्रेट क्या है, उसको एड्रेस किया जा सके। साथ ही साथ उनको उस प्रैक्टिसेस के बारे में बताना चाहिए जिसकी मदद से हम इन साइबर थ्रेट से, ठीक है, साइबर क्राइम से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर Washington DC, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, Washington DC में, और इसके फाउंडर कौन थे, क्योंकि इसमें मुझे मालूम है कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। फाउंडर थे इसके बिल गेट्स, और इसके CEO कौन है, तो तुम लोगों में से आधे बच्चों के अकॉर्डिंग बिल गेट्स है, लेकिन बिल गेट्स नहीं है, इसके CEO है सत्या नडेला आपके माइक्रोसॉफ्ट के CEO है, क्योंकि आधे बच्चे तो बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, बिल गेट्स है, लेकिन बिल गेट्स नहीं है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, CEO है आपके सत्या नडेला। सुंदर पिचई सत्या गूगल के है, ठीक है, गूगल के है सुंदर पिचई। हाँ, 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की खोज की गई थी बिल गेट्स के द्वारा, CEO सत्या नडेला, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो एक बार फटाफट से लाइक करो, जल्दी से 200 लाइक कंप्लीट करो। अगला,
The CSIR National Chemical Laboratory Pune has come with a new technique for disinfecting water by using natural oil. तो मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करना शायद भूल गई हूँ. साइंटिस्ट डॉक्टर वी एम भंडारी एंड हिज ग्रुप ऑफ सी एस आई आर एन सी एल पुणे हैज़ डेवलप्ड द नोबल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कॉल्ड स्वस्तिक विच इन्वॉल्व बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर रिडक्शन एंड ऑल्सो यूज इज नेचुरल ऑयल हैविंग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज. तो सी एस आई आर केमिकल लेबोरेटरी तो सी एस आई आर केमिकल लेबोरेटरी के साइंटिस्ट डॉक्टर वी एम भंडारी और उनके जितने भी ग्रुप है उन्होंने मिल करके क्या डेवलप किया है, एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी किसके लिए, वाटर के लिए, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जिसका नाम क्या है, स्वस्तिक. ठीक है, तो सी एस आई आर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के साइंटिस्ट डॉक्टर वी एम भंडारी और उनकी टीम ने, उनके ग्रुप ने मिल करके एक नया हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वस्तिक. ठीक है, इससे क्या किया जाएगा, इस टेक्निक से वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाएगा. ठीक है, नेचुरल ऑयल की मदद से, नेचुरल ऑयल की मदद से इसमें वाटर को क्या किया जाएगा, डिसइंफेक्ट किया जाएगा. और ये किसने, कौन लेके आया है, सी एस आई आर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के साइंटिस्ट डॉक्टर बी एम भंडारी ने इसको क्या किया है, स्टार्ट किया है. नाम क्या रखा है इसका, इस टेक्निक का, स्वस्तिक. ठीक है, नाम याद रखिएगा, स्वस्तिक है. अगला देखिए, द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेटस टू 7 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. इट इंक्लूड 6 यूनिवर्सिटीज़ एंड 1 टेक्निकल कॉलेज, 6 प्राइवेट एंड 1 ऑटोनॉमस. तो गुजरात सरकार ने 7 शिक्षा संस्थानों को सैद्धांतिक उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा दिया है. इसमें 6 विश्वविद्यालय है और एक तकनीकी कॉलेज शामिल है, 6 निजी कॉलेज है और एक क्या है, स्वायत्त कॉलेज है. ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो टाइटल है, स्टेटस है, वो 7 एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दिया है. तो आपको आंसर होगा गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है. या फिर ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने कितने इंस्टीट्यूट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्टेटस दिया है, तो आंसर इज 7. ठीक है, गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी है. विजय रूपानी गुजरात के सीएम है एंड गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत. आचार्य देवव्रत, इसको याद रख लेना. समझे, किसी को कुछ डाउट, तेजपाल गुड नाइट. चलो अगला देखिए क्या है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन द एयर हेडक्वार्टर. 2 मेन कमांडर्स इन चीफ वुड ऑल्सो बी मूविंग फॉर दियर न्यू असाइनमेंट. एयर मार्शल वल्लभा राधा कृष्णा वुड बी सक्सीडिंग चौधरी एट द वेस्टर्न कमांड इन दिल्ली वाइल एयर मार्शल आर जे डकवर्थ वुड बी टेकिंग चार्ज ऑफ द सेंट्रल एयर कमांड इन प्रयागराज. तो बहुत सारा फेरबदल किया गया है आपके एयर स्टाफ में. तो वो क्या फेरबदल है, जो आपके एयर मार्शल विवेक राम चौधरी है वो आपके क्या बन गए हैं, विवेक राम चौधरी नए डेप्यूटी चीफ बन गए हैं. ठीक है, डेप्यूटी चीफ बन गए हैं, जिसको कि आप वाइस चीफ भी कहते हो. इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, एचएस अरोरा को. आप लोगों को मालूम है ना कि एयर फोर्स का डायरेक्टर जनरल कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और उसके वाइस चीफ कौन थे, एचएस अरोरा थे. लेकिन इनको रिप्लेस किसने कर दिया, आपके विवेक राम चौधरी ने रिप्लेस कर दिया. और विवेक राम चौधरी जिस पोजीशन पे थे वहाँ पे अब कौन आ गए, एयर मार्शल वल्लभ राधा कृष्णा आ गए. तो इतना मत याद करो, क्योंकि अगर पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में तो बस यही पूछा जाएगा कि आपके एयर मार्शल के वाइस चीफ नए कौन बने हैं, तो वो बन गए हैं आपके विवेक राम चौधरी. उन्होंने रिप्लेस किसको किया, एचएस अरोरा को उन्होंने रिप्लेस किया. और इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. यूपीएससी वाले क्या ही ले जाएंगे, यूपीएससी वाले तो बस नाम नाम के यूपीएससी वाले रह गए हैं. कुछ बच्चों को तो बस एक टाइटल चाहिए कि हम यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं. वो फालतू में माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और उनको दिन भर क्या करना रहता है, हर एक क्लास में जा जा करके केवल और केवल कमेंट करना रहता है. तो वो अच्छे से यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे.
China has successfully launched the first of a new generation meteorological satellite into the planned orbit. तो चाइना ने अभी क्या लॉन्च किया है अपना मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट जिसका नाम क्या है फेंगवान 4B. ठीक है, चाइना ने अपना फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है फेंगवान 4B. अच्छा एक बात बताओ, जो यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जितने भी, ये बताइए जब मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में समझाती हूँ तो भी हिंदी में पढ़ने की ज़रूरत है क्या? अभिषेक अगर मुझे ऐसे ऐसे खराब कमेंट से फ़र्क पड़ने लग जाएगा ना तो मैं ना पढ़ पाऊँगी ना आप लोग पढ़ पाओगे. ठीक है, ना मैं पढ़ा पाऊँगी ना आप लोग पढ़ पाओगे. ऐसा कोई इंसान है जिसको लोग गंदा नहीं बोलते हैं? भगवान को तो लोग छोड़ते नहीं है, हम इंसान हैं. तो ऐसी ऐसी चीज़ों से इफेक्ट होने लग गए तब तो हो ही गया काम. तो देखिए, चीन ने नई पीढ़ी के पहले मौसम संबंधी उपग्रह को नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है. इसका उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के क्षेत्र में किया जाएगा. उपग्रह फेंगवान 4B शियोचान प्रांत के जिजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च मार्ग मार्च 3B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया. तो चाइना ने अपना एक पहला मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च किया. जैसे ही टर्म मेट्रोलॉजी का यूज़ हो गया, तो मेट्रोलॉजिकल टर्म यूज़ हुआ है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूज़ हुआ है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि इसका यूज़ क्यों किया जाएगा. वेदर एनालिसिस के लिए, एनवायरमेंटल एंड डिज़ास्टर मॉनिटरिंग के लिए. कोई भी आपदा तो नहीं होने वाली, आपका एनवायरमेंट किस तरीके का है, वेदर किस तरीके का है, क्या आगे होने वाला है, वो सारी चीज़ें पता करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है. इस सैटेलाइट का नाम क्या है? फेंगवान 4B. और इसको लॉन्च किसने किया है? लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट ने. इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के द्वारा. ऑप्शन अभी दूंगी आशीष, अभी MCQ पे तो आने दो. समझ गए ना? तो चाइना का पहला मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट फेंगवान 4B लॉन्च्ड बाय रॉकेट लॉन्ग मार्च 3B. अगला, चाइना एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकमाक ईस्ट. ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा. आर्टिफिशियल सन, चाइना का आर्टिफिशियल सन जिसने रिकॉर्ड बनाया था. तो विच मिमिक्स द एनर्जी जनरेशन प्रोसेस ऑफ द सन सेट अ न्यू रिकॉर्ड आफ्टर इट रैन एट 216 मिलियन डिग्री फेरनहाइट 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 101 सेकेंड फॉर अनदर 20 सेकेंड. द आर्टिफिशियल सन ऑल्सो अचीव अ पीक टेम्परेचर ऑफ 288 मिलियन डिग्री फेरनहाइट, डेट इज 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस, विच इज़ ओवर 10 टाइम्स हॉटर देन सन. तो जो आपने ये न्यूज़ सुना होगा 5-6 महीने पहले चाइना के आर्टिफिशियल सन के बारे में, तो ये उसी से रिलेटेड है, वही चीज़ है. ठीक है, तो उसका नाम क्या है? एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक. तो उसने रिकॉर्ड बनाया है, नया रिकॉर्ड क्या है कि आपके 101 सेकंड में कितना 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस एनर्जी रिलीज़ की गई. 101 सेकंड में 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस एनर्जी को रिलीज़ किया गया, और आपके 107 मिलियन डिग्री एनर्जी को रिलीज़ किया गया 20 सेकंड के लिए कंटिन्यूसली. ठीक है, जो पहले का रिकॉर्ड था, वो पहले का रिकॉर्ड क्या था? 100 डिग्री का था 100 सेकंड में. लेकिन आप वही 101 सेकंड में कितने का रिकॉर्ड बना दिया है? 120 का. ठीक है, शकुंतला सिंह फिर भी मेरे से कम ही है, तो दूसरा ही देख लो आप. न्यूजीलैंड इज द लेटेस्ट कंट्री टू साइन अ स्पेस एग्रीमेंट विद नासा. इट बिकेम द 11th सिग्नेटरी टू द आर्टिमिस एकॉर्ड्स, अ ब्लू प्रिंट फॉर द स्पेस कोऑपरेशन एंड सपोर्टिंग द US स्पेस एजेंसी प्लान टू रिटर्न ह्यूमन टू द मून बाई 2024 एंड टू लॉन्च अ हिस्टोरिक ह्यूमन मिशन टू मार्स. ठीक है, तो आपने एक मिशन सुना होगा, मार्स मिशन 2024. इस मिशन का नाम चेंज किया गया है. ठीक है, इस मिशन का नाम क्या है वो लोग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. तो मार्स मिशन जो 2024 है, वो क्या है कि मार्स पे 2024 तक किसी भी ह्यूमन को लैंड करवाना. ठीक है, तो जो न्यूजीलैंड है वो नासा का 11th मेंबर बन गया है, बस आप इसको याद रखिए. ठीक है, नासा का 11th मेंबर कौन बन गया है? न्यूजीलैंड बन गया है, जो नासा की मदद करेगा इस मिशन के लिए.
समझ गए? पुनीत, अगर आप किसी भी मतलब मेरा कोड यूज़ करते हैं, चाहे किसी भी फैकल्टी का कोड यूज़ करते हैं, तो अगर आपने एसएससी का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप एसएससी पे जितने भी फैकल्टी है सभी की क्लास ले सकते हो, पुरानी क्लासेस भी, अपकमिंग क्लास भी। अगर आपने बैंक का लिया है तो आप बैंक के सारी फैकल्टी का ले सकते हो। ये नहीं होगा कि आपने एसएससी का लिया है तो आप बैंक का भी देख सकते हो। बस ये है कि अगर आपने एसएससी का लिया है तो एसएससी के आप सभी टीचर्स का देख पाओगे, ठीक है। जो भी कोर्स आप खरीद रहे हो उसमें जो भी सब्जेक्ट टीचर है सारे के सारे आप क्लासेस ले सकते हो, चाहे नए हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे रिकॉर्डेड हो, चाहे लाइव हो, ठीक है। पुनीत, उत्तम कुमार, भगत, फिलहाल तो मुझे लगता है कि तुम ही कमेंट करते रह जाओगे और यहाँ पे सारे बच्चे पेपर निकाल के चले जाएंगे। पहले तुम अपना सोचो उत्तम। अगला, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आपका एमसीक्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन इज ऑब्जर्व ऑन जून 4 ईच ईयर। द पर्पस ऑफ द डे इज टू एक्नॉलेज द पेन सफर्ड बाय द चिल्ड्रन थ्रू आउट द वर्ल्ड हु आर द विक्टिम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एब्यूज। स्टॉप अटैक ऑन चिल्ड्रन इज द थीम ऑफ 2021। तो हम हर साल 4 जून को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन डे, ठीक है। हम लोग हर साल 4 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन दिवस मनाते हैं। ये इस दिवस को मनाने का जो पर्पस है वो क्या है कि लोगों को बताया जाए कि बच्चे जो है किस तरीके के दर्द से गुजरते हैं, किस तरीके का उनको फिजिकल चाहे मेंटल चाहे इमोशनल टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। जो 2021 का थीम रखा गया है वो क्या रखा गया है? स्टॉप अटैक ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। स्टॉप अटैक ऑन चिल्ड्रन 2021 का थीम है। इसके अलावा आप लोगों को मालूम होगा आज कौन सा डे है? 5 तारीख को, 5 जून को आज हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। इस साल का थीम है। इस साल की होस्ट कंट्री कौन सी है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की? होस्ट कंट्री कौन सी है? तो ये है आपकी पाकिस्तान। 2021 के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की होस्ट कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है। हाँ, एनवायरनमेंट डे आज है तभी तो बता रही हूँ गौरव। तो पल्लवी, हैप्पी बर्थडे। तो किसी आईएएस के आईएएस को ढूंढ लो ना, शकुंतला सिंह, शकुंतला आंटी, सॉरी। तो होस्ट कंट्री पाकिस्तान, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, और इसका थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है, इसको याद रखना। आप लोगों को मैंने ये बताया भी था कि 5 जून को ही हम लोग क्यों एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP की स्थापना की गई थी 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना की गई थी 5 जून 1972 को। इसीलिए इस डेट को चूज किया गया किसके लिए? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के लिए, ठीक है। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नायरोबी केन्या में आपके UNEP का हेडक्वार्टर है। चलो आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। कुमार सौरभ, आपका क्या क्वेश्चन है? मैंने आपका क्वेश्चन नहीं देखा, क्योंकि अगर ऐसे में कमेंट पढ़ने लग जाऊंगी तब तो पता नहीं क्या ही होगा। चलो कामेश, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि तुम लोग यहाँ पे पढ़ने आते हो, तुमको तो नहीं बोल रही हूँ तुम पढ़ते हो, आधे लोग पता नहीं किस लिए आते हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। फर्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड द 2021 वर्जन ऑफ द गेमर्स कैप? गेमर्स कैप के 2021 संस्करण से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए मार्को जेंसन को, ऑप्शन बी क्रिस मॉरिस को, ऑप्शन सी जेम्स निशम को, या ऑप्शन डी काइली जेमिसन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अमृता का फर्स्ट का डी है, अमरीश का डी है, मोहन का डी है, दिनेश का डी है, जॉर्डन का डी है, सोनिया का भी डी है, हमजा क्यू तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सोनिया का डी, मोहन कुमार का डी, कामेश का डी,
सिर्फ कोई इंडिविजुअल क्लास आपको नहीं मिलेगी, पूरा कोर्स मिलेगा। एक साल का कोर्स है आपका 6500 का और दो साल का कोर्स है आपका 7800 का अनअकैडमी का, ठीक है, एसएससी का बता रही हूँ। जब आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे वर्षा तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ये आपको पड़ेगा 5850 का, ये आपको पड़ेगा 7020 का आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। इसमें आप सभी टीचर की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस वाली देख पाएंगे। इसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, इसमें आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाएगा, इसमें आपको लाइव टेस्ट मिल जाएगा, क्विज मिल जाएगा, सारी चीज़ें इसके अंदर ही मिल जाएगी। तो सभी का डी है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, काइली जेमिसन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैज डेवलप्ड नैनो फाइबर बेस्ड ओरल टैबलेट ऑफ एम्फोटेरिसिन बी कॉल्ड AMB टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने कोविड उपचार के बाद फंगल संक्रमण के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी, जिसे AMB कहा जाता है, कि नैनो फाइबर आधारित मौखिक गोलियों का विकसित किया। ऑप्शन ए IIT रुड़की ने, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे ने, ऑप्शन सी IIT हैदराबाद में, या ऑप्शन डी IIT कानपुर ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विश्वजीत का सी है, उत्पल का सी है, संजीव का सी है, अमृता का सी है, अनीश, हमजा, शुभजीत, मोहन, सौरभ, सतवंत का बी। सतवंत आप लेट आए थे क्या? हर्षवर्धन का भी सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर, हैदराबाद ने किया, ठीक है, हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड GR अरुण कुमार एज इट्स न्यू ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इन June 2021। निम्नलिखित में से किसने GR अरुण कुमार June 2021 में अपने नए समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में चुना है? ऑप्शन ए ओला, ऑप्शन बी रैपिडो, ऑप्शन सी उबर, या ऑप्शन डी जूम कार, बताओ। तो गौरव का ओला, दिनेश मीना का ओला, संगीता भारद्वाज का ओला, रत्नादीप का ओला, अमृता रॉय, अभय पपाई मोंडल का उबर आ रहा है, नंदिनी मिश्रा का भी उबर आ रहा है, सत्या का ओला, अंकित चौरसिया। अंकित इतने दिन बाद आए हो ऑफिस का काम सही, ओला इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु विल लॉन्च द सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज प्रोजेक्ट इन June 2021। June 2021 में सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए थावरचंद गहलोत ने, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर ने, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर ने, ऑप्शन डी नितिन गडकरी ने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दीक्षित का फोर्थ का ए है, रिकन का ए है, श्रेया का ए है, संजीव का ए है। नहीं अंकित आप ब्लॉक नहीं हो, कामेश का भी ए है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं एक बारी आप लोग बताती हूँ, रुक जाओ, विकास परालिया को बता दीजिए आप लोग कितने कितने बजे सोते हैं, वो अटेंडेंस मेंटेन करते हैं। आंसर इज ए थावरचंद गहलोत। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु अमंग द फॉलोइंग हॉर्स राइडर हैज कंप्लीटेड द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू कम्पीट इन ओलंपिक गेम्स इवेंट। निम्नलिखित में से घुड़सवारों में से किसने ओलंपिक खेलों के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकता को पूरा किया? ऑप्शन ए तेजेंद्र पाल, ऑप्शन बी फुआद मिर्जा, ऑप्शन सी गुरप्रीत सिंह, या ऑप्शन डी गौरव गिल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का कामेश का फिफ्थ का बी, पीयूष गेमिंग का बी, अमृता का बी, जॉर्डन का बी, अमृता का भी बी, गौरव नागर का भी बी है, पल्लवी का ए है, सुप्रिया का ए है। पल्लवी सुप्रिया लेट आई थी क्या क्लास में? क्लास में डेली 11:15 बजे आना, ठीक है। और मोहन कुमार का भी बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी एकदम करेक्ट आंसर है, फौद मिर्जा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु स्मैश्ड अ डबल 100 ऑन हिज टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट इंग्लैंड एट लॉर्ड्स इन June 2021। June 2021 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू पर दोहरा शतक किसने लगाया? ऑप्शन ए काइली जेमिसन ने, ऑप्शन बी विल यंग ने, ऑप्शन सी डेवन कॉनवे ने, ऑप्शन डी टॉम लैथम ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स, उत्तम कोई मेरा इंडिविजुअल कोर्स नहीं है, आपको पूरा कोर्स खरीदना पड़ेगा। एक ही चीज़ बार बार लिख के स्पैम मत करो। अमृता का सी, मनीष का सी, रवि का सी, महक खत्री का ए। महक आपके आंसर थोड़े लेट आते हैं, अब पीछे वाले क्वेश्चन पे ही हो। जिद्दी बॉय का सी, आदित्य का पता नहीं क्या है, वो खुद कन्फ्यूज्ड है, आंसर इज सी।
रिकन घोष का भी सी है, आपके फ़ोन में भी कमेंट स्लो है क्या? 7 June 2021 यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क इन विच स्टेट। जून 2021 में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ अमृता का डी है, अमरीश का डी है। मेरे पास कमेंट ही लेट आ रहा है। अनीश का भी डी है। हाँ मेरा कमेंट थोड़ा स्लो चल रहा है, रुको एक बारी दोबारा देखूं। तो सभी का डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन, अंकित, पपाई मंडल, सौरभ, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8th, अंडर द महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम मैप 75% ऑफ द स्टिपेंड और हाउ मेनी रुपीज बीच एवर इज लेस इज विल बी प्रोवाइडेड टू द अप्रेंटिस। महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत प्रशिक्षु को 75% या कितने रुपये जो भी कम हो प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए 4,000, ऑप्शन बी 5,000, ऑप्शन सी 6,000 या ऑप्शन डी 7,000। क्वेश्चन नंबर 8, मेरा थोड़ा स्लो है कमेंट, और एक बारी सारे बच्चे आप लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास की टाइमिंग 11:15, कल आप लोगों की एक क्लास होगी, कहाँ पे? 1 बजे, ठीक है? किस पे होगी? वाईफाई स्टडी पे, वाईफाई स्टडी जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पे होगी। वीकली करंट अफेयर की क्लास होगी। तो सभी का आंसर आ रहा है बी, सत्यजीत, हमजा, शुभाशीष, पल्लवी, हर्षित, गुजराती बॉय, रिकन घोष, अभिषेक यादव, पपई मंडल, अमरेश, अंकित चौरसिया, रत्नादीप एंड 5,000 इज द करेक्ट आंसर। 9th, हु विल चेयर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR सोसाइटी इन जून 2021 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सोसाइटी की जून 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 9th, कोई बात नहीं अरविंद अरोरा, तो 9th का हरदीप सिंह पुरी, गुजराती बॉय। उत्पल का सी हरदीप सिंह पुरी, मोहन का ए, अंशुल का बी, अमरेश का ए। तो जो भी बच्चे ए बोल रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नरेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी करेंगे, ठीक है? ए इज द करेक्ट आंसर। 10th, इन जून 2021 विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ लोन एग्रीमेंट टू सपोर्ट प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड डिजाइन एक्टिविटीज टू अपग्रेड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन सिक्किम? जून 2021 में सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के उद्यन के लिए परियोजनाओं की तैयारी और डिजाइन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए AIIB, ऑप्शन बी ADB, ऑप्शन सी NDB या ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 10th, अनिश कुमार का 10th का ए, हर्षवर्धन का बी, जॉर्डन का बी, श्रद्धा का बी, सत्यजीत का बी, अभय का बी, अमृता का बी। आज गार्गी नहीं आई है क्या? अमृता तो आई है, अमृता भी आई है, नंदनी आप भी नहीं आई हो क्या? तो आंसर इज बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 11th, विच स्टेट हैज बीन एडजस्ट एज द वर्स्ट परफॉर्मर इन नीति आयोग SDG इंडेक्स 2021? श्रद्धा पांडे का भी डी बिल्कुल ठीक है, पल्लवी कर्ण का भी बी, रवि का बी। क्वेश्चन नंबर 11th, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य को सबसे खराब प्रदर्शन वाला घोषित किया गया? ऑप्शन ए यूपी को, ऑप्शन बी बिहार को, ऑप्शन सी गोवा को या ऑप्शन डी तेलंगाना को। तो हर्षित का बी है, आशीष का बी है, अंकित सक्सेना का बी है, हमास ग्रुप का बी है, महक खत्री का भी बी है, नंदनी मिश्रा आई हो तो बी है आपका, और रिया तुम नहीं आई हो क्या? बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिहार, ठीक है, बिहार इज़ द करेक्ट आंसर।
Question number 22. HDFC Bank has announced plan to become carbon neutral by which year? HDFC Bank ने किस वर्ष तक carbon neutral बनने की योजना की घोषणा की है? Option A 2023-24, Option B 2027-28, Option C 2025-26, Option D 2031-32. Question number 12. और सभी जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो. और आदित्य पता नहीं किसी दूसरे ट्रैक पे है, भटक चुके हैं. हाँ, ये अरविंद बैंक में भी काम आएगी. तो यहाँ पे कन्हैया का डी है, अमृता का डी है, उत्पल का डी है, अंकित चौरसिया का डी है, मनीष का ए है, साधना का ए है. ट्वेल्थ का ए नहीं होगा. करेक्ट आंसर इज डी, साधना. 2031-32 अगले साल तक कैसे HDFC आपका कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा 23 तक. 13. माइक्रोसॉफ्ट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल. इट कंसिस्ट ऑफ पॉलिसी मेकर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. माइक्रोसॉफ्ट ने पहली एशियाई प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र की साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद शुरू की है. इसमें निम्नलिखित में से किस देश के नीति निर्माता और प्रभावशाली व्यक्ति शामिल है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ब्रुनेई, ऑप्शन सी कोरिया, या ऑप्शन डी ऑल 1, 2, 3. क्वेश्चन नंबर 13 का प्रियम बड़ा होता, गोपाल साहू, पल्लवी कर्ण, प्रदीप पाटिल, अमृता सौरभ, महक खत्री, लेजी बॉय, सचिन त्रिवेदी. तुम बाटा के शोरूम में चले जाओ. शुभाशीष, हर्षित भारद्वाज, यशवंत, गार्गी पाठक आई हुई हो. एंड करेक्ट आंसर इज डी, ऑल 1, 2, 3. क्वेश्चन नंबर 14. इन जून 2021 CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे डेवलप्ड विच टेक्निक फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर बाय यूजिंग नेचुरल ऑयल. जून 2021 में CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी में कीटाणु रहित करने वाले कौन सी तकनीक को विकसित किया? ऑप्शन ए शुद्धा को, ऑप्शन बी स्वास्तिक को, ऑप्शन सी सफल को, या ऑप्शन डी सक्षम को. क्वेश्चन नंबर 14. धर्मेंद्र का 14 का बी, पीयूष का बी, सुप्रिया का डी, अमृता का बी, राशिद का डी, साधना का बी, गुजराती बॉय का बी, अभिषेक यादव का बी, हमास ग्रुप का भी बी, जीनू प्रधान का डी. जीनू आप भी लेट आए थे क्या? अंकित चौरसिया का भी बी है, प्रकाश का भी बी है, एंड बी इज द करेक्ट आंसर. पीयूष गेमिंग का भी, हर्षवर्धन का भी, विनोद का भी, एंड बी एकदम करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 15. इन जून 2021 द गुजरात गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेटस टू हाउ मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. जून 2021 में गुजरात सरकार ने कितने शिक्षण संस्थानों को सैद्धांतिक उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए 3 को, ऑप्शन बी 5 को, ऑप्शन सी 7 को, या ऑप्शन डी 9 को. हमजा का बी है, गुजराती बॉय 7, सौरभ का 7, उत्पल का सी, आदित्य गुप्ता भैया प्रवीण का 9, संगीता भारद्वाज का सी, अमरेश का सी, प्रदीप पाटिल का बी, मोहन का सी, हमास ग्रुप का भी सी, कन्हैया का बी, गुजराती बॉय अक्षय, अंकित चौरसिया, जिद्दी बॉय, सभी का सी है, एंड सी इज द करेक्ट आंसर. और जो भी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, आप लोग डेली 11:15 पे क्लास पे आइए. 11:15 क्लास शुरू होती है ये डेली. कल 1 PM पे, कल की बात बता रही हूँ, यानी कि संडे 1 PM पे मेरी क्लास होगी यूट्यूब के चैनल वाईफाई स्टडी पे. तो वाईफाई स्टडी पे सभी आ जाना. वीकली करंट अफेयर रिवीजन, ठीक है? वीकली करंट अफेयर रिवीजन होगा. क्वेश्चन नंबर 16. इन जून 2021 हु अमंग द फॉलोइंग विल सक्सीड विवेक राम चौधरी एट द वेस्टर्न कमांड इन दिल्ली. जून 2021 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में पश्चिमी कमान में विवेक राम चौधरी का स्थान लेंगे? ऑप्शन ए आत्माराम नंदा, ऑप्शन बी वल्लभा राधा कृष्णा, ऑप्शन सी करमबीर सिंह, या ऑप्शन डी विपिन रावत. तो गुजराती बॉय का रावत, भैया प्रवीण का रावत, गुजरात सभी रावत रावत कर रहे हो. विपिन रावत नहीं है. किसका हरियाणा होगा? विशाल किसका बोल रहे हो बताओ? मैं तो 15 से देख रही हूँ कि तुम हरियाणा हरियाणा ही लिखे जा रहे हो. करेक्ट आंसर इज बी, वल्लभा राधा कृष्णा इज द करेक्ट आंसर. और अमरेश का, अंशुल नेगी का, अंकित चौरसिया का, श्रद्धा पांडे का, प्रवीण श्याम का,
अनीश हमास ग्रुप, शुभाशीष, संगीता भारद्वाज, आप भी गलत लिख रही हो संगीता, बी इज द करेक्ट आंसर। उससे पहले जिसका भी नाम लिया था उन्होंने सही आंसर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, चाइना हैज सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट ऑफ अ न्यू जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट इनटू द प्लैंड ऑर्बिट, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट। चीन ने नई पीढ़ी के पहले मौसम संबंधी उपग्रह को नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, उपग्रह का नाम बताइए। ऑप्शन ए CBERS-2B, ऑप्शन बी फेंगयून 2.05, ऑप्शन सी फेंगयून 4B FY-4B या ऑप्शन डी VRSS-2। क्वेश्चन नंबर 17, संगीता भारद्वाज सी, हमास ग्रुप का सी, अमृता का सी, पीयूष गोयमिंग का सी, अतनु सेन गुप्ता का बी, मोहन का सी, भैया प्रवीण का बी, अमृता रॉय का सी है। हेलो मास्टर FF गेमिंग, संगीता, संदीप, हमास, अंकित, धर्मा, पीयूष, रविकांत, सभी का सी है एंड सी इज द करेक्ट आंसर। 18, चाइनाज एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक विच मिमिक्स द एनर्जी जनरेशन प्रोसेस ऑफ द सन सेट अ न्यू रिकॉर्ड आफ्टर इट रैन एट 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट और 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर हाउ मेनी सेकेंड। ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 91 या ऑप्शन डी 101। तो गुजराती बॉय महक खत्री, कन्हैया का सी, बाकी दो का सही था, विष्णु का बी, जिद्दी बॉय का 101, आदित्य पता नहीं कहाँ पे हो, FF गेमिंग का सी, उत्पल का डी, पल्लवी का सी। पल्लवी तुम कैसे आंसर गलत दे सकती हो इस क्वेश्चन का, तुम क्लास में थी ना, तो आंसर इज डी 101। इन जून 2021 न्यूजीलैंड बिकेम द 11th सिग्नेटरी टू द आर्टेमिस अकॉर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जून 2021 में न्यूजीलैंड निम्नलिखित में से किसके साथ आर्टेमिस समझौते का 11वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया। ऑप्शन ए इसरो का, ऑप्शन बी जाक्सा का, ऑप्शन सी ESA का या ऑप्शन डी नासा का। क्वेश्चन नंबर 19, सेवेंथ क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको, अभी दिखाती हूँ, रुक जाओ। विशाल दिखा रही हूँ, रुक जाओ, अब दो क्वेश्चन कंप्लीट होने दो। तो इसका सभी का आंसर आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं पल्लवी, तो सभी का आंसर आ रहा है नासा एंड नासा इज द करेक्ट आंसर। अब पहले रुक जाओ, पहले सेवेंथ क्वेश्चन ही देख ले क्या है। ये सही है, अभी ये जून की बात है, ये सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 4 ईच ईयर। निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रत्येक वर्ष 4 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए विश्व पर्यावरण दिवस, जो भी बोल रहे थे विशाल आप बोल रहे थे ना कि रॉन्ग है, तो वो सही है, ठीक है, रॉन्ग नहीं है वो। बी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ऑप्शन सी इलिसिट डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन या ऑप्शन डी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। क्वेश्चन नंबर 20, अमृता, शुभाशीष, उत्पल, जॉर्डन, नंदनी, गुजराती बॉय, संगीता, प्रकाश, आमिर, भैया प्रवीण, रविंद्र, दिनेश, मीना, नहीं ये तो दूसरे दिनेश है, हर्षित भारद्वाज, विक्रम, हेलो, भावेश, नंदनी, मतलब यहाँ पे तो बी और सी में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो, तो जो भी यहाँ पे बी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। यहाँ पे ड्रग, ये ड्रग एब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग का डे नहीं है, ये आपके इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन डे है 4 जून, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो नीतीश का गलत, अमरीश का सही, संगीता का सी सही, कन्हैया का सी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, आप सभी कल 1 PM पे वाईफाई स्टडी पे आ जाना, 1 PM वाईफाई स्टडी,
4:55 PM अन अकेडमी के ऐप पे, और आपका रात को 11:15 बजे यूट्यूब पे सेम चैनल लेट्स क्रैक पे, ठीक है। कल ये मेरी 3 क्लास हैं, तो तीनों क्लास को अटेंड करना। यहाँ पे आपका वीकली करंट अफेयर होगा, यहाँ पे आपका स्टैटिक जीके होगा, और यहाँ पे आपका डेली करंट अफेयर होगा, ठीक है। आप में से जो भी बच्चा अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेता है, चाहे बैंक का लेते हैं, रेलवे का लेते हैं, यूपीएससी का लेते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस का लेते हैं, रेलवे का लेते हैं, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करिएगा वर्षा VARSHA, इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। और @ वर्षा सिंह अनअकैडमी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर आप सर्च कर सकते हो GA/GS/वर्षा सिंह, तो भी आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। मैं अभी क्लास ओवर होने के बाद आपको PDF सेंड कर दूंगी। और जो भी ये मेरी 4:55 वाली जो क्लास है, ये फ्री क्लास है, तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम अनअकैडमी को ज्वाइन करेंगे, जिसको नहीं पता है अनअकैडमी के बारे में, वो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिएगा। उसके बाद आप उसमें गोल चूज़ करेंगे सभी SSC, क्योंकि आधे बच्चे चूज़ करते हैं, कोई UPSC चूज़ करता है, कोई IIT चूज़ कर लेता है, कोई NEET कर लेता है, तो तुम पहले चूज़ करना SSC, उसके बाद मेरा नाम सर्च करना वर्षा सिंह, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, उसको आप सभी फॉलो कर लेना। आप मेरी कोई सी भी पुरानी क्लास या फिर कल जो क्लास होगी उसको देखना चाहते हैं फ्री में, तो आपसे एक कोड पूछा जाएगा, इनवाइट कोड, तो बस आपको मेरा कोड डालना है वर्षा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, सभी अच्छे से रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और सभी तुम लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है, सभी अच्छे से मेहनत करो। तो अभी के लिए इतना ही था, टाटा बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चलो बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, और सभी मेरा कोड ही यूज़ करना, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेना, चाहे बैंक का लो, SSC का लो, रेलवे का लो, किसी भी स्टेट PCS का लेते हो, आपके भाई बहन लेते हैं, सिर्फ मेरा ही कोड यूज़ करना, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, कल 1 बजे वाईफाई स्टडी पे आ जाना। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डेली रात को 11:15 बजे क्लास होती है, तो 11:15 बजे आना, ठीक है। तो हमें स्ट्रीमिंग ऑफ करती हूँ, बाय। शकुंतला आंटी थैंक यू, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ आ जाएंगी, आप सर्च कर लो, ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।